और ये है सोयाबीन की, सोयाबीन ना बढ़िया, सोयाबीन की बढ़िया मतलब सोयाबीन की सब्जी, ये बनती है बर्गर के अंदर। और ये भैया है हमारे, भैया आपका नाम संजय बद्री नाम से, संजय कुमार बद्री नाम से फेमस है कटरा के अंदर, कहीं भी पूछ लो कि संजय भैया के छोले कुलचे और बर्गर खाना है। दुर्गा भवन के बाजू वाली जो रोड है बद्री के नाम से, बद्री के नाम से। सिर्फ एक छोटा सा सेटअप, एक साइज पतीला और ये, भैया आप हमें खिला दो आप हमें ये कलाड़ी। और इनकी फेमस स्पेशलिटी जो है ना वो कलाड़ी है, अलग ही लेवल, व्हाट अ टेस्ट। 3 साल पहले मैंने खाया था, 5 साल वैष्णो देवी आता हूँ, लेकिन जो कलाड़ी है ना ये नेक्स्ट लेवल। और ये ना अभी देख रहे हैं हार्ड हार्ड सा, जब ये बर्गर में आता ना तो एकदम प्रॉपर ऐसे वो हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और उसका टेस्ट जैसे पनीर टाइप का लगता है, जैसे होता है ना खींच के खाना होता है, जैसे हम पिज्ज़ा के अंदर उसको खींच के खाते हैं, ऐसे करके नेक्स्ट लेवल स्वाद। तो जब भी वैष्णो देवी आओ, कटरा आओ, तो स्टेशन जाने वाली जो रोड है ना वहीं पे दुर्गा भवन पड़ेगा, उसके बाजू वाली रोड पर हमारे बद्री भैया खड़े होंगे, वहाँ आना और इनकी कलाड़ी और ये वाले छोले कुलचे खाने। वैसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको छोले कुलचे वाले, लेकिन इनकी बात अलग है, ज़बरदस्त। इनकी शक्ल दिखा दो भैया जी, मेरी ये है हमारे प्याज शायद सब चलेगा ना, हाँ प्याज शायद सब चलेगा ना, चल जाएगा। कई बार बंदे दिल्ली से प्याज नहीं खाते ना आके, देख रहे हो दिल्ली में जैसे गुप्ता जी के बर्गर फेमस है ना, ऐसे यहाँ पे कटरा में बेहतरीन बद्री जी के कलाड़ी। ये कलाड़ी बद्री किस चीज़ की है? दूध से मिल्क, गांव के लोग बनाते हैं, देसी गांव के लोग, तो पहाड़ी लोग बोलो। अच्छा, तो दूध की पहाड़ी लोगों द्वारा बनाई हुई ये आप बर्गर खा रहे हैं, आपने बहुत खाया होगा, मैं देसी हो गया मतलब ये। बर्गर की का ये है हमारा देसी बर्गर, हाँ वो जैसे देसी है बर्गर वगैरह चीज़ वाला, देसी चीज़ बर्गर वही बोल। देख रहे हैं आप एकदम मुंह में ऐसे स्वाद लार सब कुछ आ जाएगा एक साथ आपके। अब ये पड़ेगी सॉन्ग, अब लगेगी इस पे कलाड़ी, देख रहे हैं वाह। मैंने कहा था ना एकदम चूजी हो जाता है, पिज्ज़ा जैसे हो जाता है, खींच के खाना पड़ता है, नहीं ना दिखने में ऐसा लग रहा है ना, ये दिखने में बेशक अंडा जैसा लगे, लेकिन ये है दूध का और मलाई का, तो प्योर वेज है। अगर आप प्याज नहीं पड़वाना चाहते तो मत पड़वाइए, ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये बहुत सही ज़बरदस्त। इसकी कॉस्ट क्या है मतलब एक में कीमत? 40 रुपीज़। हाँ अभी भी 40 है, 3 साल पहले भी 40 थे, अब भी 40 है, मतलब दुनिया इधर से उधर महंगी होती जा रही है, लेकिन हमारे कलाड़ी की 40 में ही है अभी भी। और वो वाला 25 का है ना शायद, 20। अरे वो वाह। तो दूसरा बर्गर है सोयाबीन वाला, वो 20 का है, कलाड़ी 40 का है, लेकिन जो कलाड़ी की बात है वो अलग ही है। कलाड़ी दिल्ली में नहीं मिलती है, यहाँ ये नहीं मिलता दिल्ली में, दिल्ली में मिलता है गुप्ता जी के बर्गर, तो वो आलू टिक्की होती है, आलू टिक्की होती है, प्याज होता है, खीरा टमाटर ये सब होता है, मिट्टी वाला स्टाइल बना रखा है। कलाड़ी नहीं मिलती दिल्ली में, आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगी, वो मिलेगा सिर्फ कटरा में। बटर भी अमूल का ही है, और ऐसा नहीं कि वीडियो बननी तो इतना सब कुछ पड़ रहा है, ये नेचुरल है, हर आप नॉर्मल आओ खाने के लिए सब कुछ मिलेगा आपको इसी में, सब कुछ, और टेस्ट नाइस है ना, सिर्फ एक से मन नहीं भरेगा आपका, पक्का है ये बात, इसलिए हमने 3 बनवा लिए पहले कि हमारे लिए सही तीनों के तीन। और
ये आ गया है हमारे हाथ में। कल भाई गर्म है लेकिन टेस्ट बेस्ट होगा, क्योंकि बहुत गर्म है फिर भी मैं खाता हूँ। आप जन्नत, मेरा रिकमेंडेशन ये है कटरान यहाँ ज़रूर खाना, मज़ा आएगा। सिंपल सॉर्टेड रास्ता, कटरा बस स्टैंड से जब आप रेलवे स्टेशन की ओर जाएंगे, जो रेलवे स्टेशन वाली रोड है वहाँ पे दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बाजू में ये वाली गली है और यहाँ पे खड़े होते हमारे बद्री जी, और यहाँ पे खाना कलहाड़ी। कलहाड़ी फल फूल।